टॉप 5 बेस्ट 5G कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन्स के बारे में जहां आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाएगा, अच्छे खासे कैमरास होंगे, लंबी चलने वाली बैटरी, तगड़ी परफॉर्मेंस और तो और आपको यहां पर लुक्स भी काफी अच्छे मिलने वाले। सो गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले एक इंडियन ब्रांड की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लावा की तरफ से आने वाले लावा अग्नि 2 की। तो ये स्मार्टफोन फुली ग्लास बिल्ड पर आपको मिलता है और तो और आपको यहाँ पर कर्व एजेस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जो कि स्मार्टफोन के लुक को और भी बेहतरीन बनाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन स्लाइटली हैवी है, 210 ग्राम के वेट के साथ में आता है और फोन की थिकनेस है 8.8 मिलीमीटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के मुखड़े की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल मिल जाती है जो कि कर्व एजेस के साथ में आती है। साथ ही शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। इन सभी के अलावा HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है और तो और आपको यहाँ पर 950 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। गेमिंग की बात करें तो 120 Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240 Hz की टच सैम्पलिंग रेट को फोन सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपने तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े 4 कैमरास दिए गए हैं, जहां पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि EIS के फीचर के साथ में आता है। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का आपको यहां पर अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया जो कि बहुत कमाल की बात है। इन सभी के अलावा 2-2 मेगापिक्सल के आपको यहां पर मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि डे लाइट में फोटोज भी यहां पर काफी कमाल की निकल कर आती है। हालांकि थोड़े से और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है और उम्मीद है कि बहुत जल्द यहां पर लावा कुछ नए अपडेट के साथ इसे फिक्स भी कर देगा। रही बात वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो आप यहां पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर और सेल्फी कैमरा से भी डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। रही बात वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। तो ओवरऑल से यहाँ पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी सी डिसेंट मिलेगी। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 7050 का चिपसेट जो कि 6nm बेस्ड है और यहाँ पर आपको आम वाली G68MC4 का 4 कोर का GPU भी दिया गया है। वैसे अगर हम AnTuTu की बात करें तो यहाँ पर आपको अराउंड 5,44,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पर डेली परफॉर्मेंस के साथ साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। वैसे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज और LPDDR4X की रैम का सपोर्ट भी दिया गया है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और ये फोन 66W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप भी बहुत आराम से मिल जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलता है एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन और कोई भी 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट करता है और दोस्तों यहाँ पर लावा ने यह भी प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 8256 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे लगभग 22,000 रुपये। पर दोस्तों इस स्मार्टफोन पर लगातार ही आपको कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिलते रहते हैं जिन्हें अप्लाई करके ये स्मार्टफोन इफेक्टिवली आप यहाँ पर 20,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। हालांकि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते तो ये स्मार्टफोन भी आपको 16-17,000 रुपये की प्राइस पर मिल सकता है। और ये फोन है दोस्तों यहाँ पर लावा का प्लेस कर 5G। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें फोन की डिजाइन की, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जहां पर आपको बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। और अच्छी बात यह भी है कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से ये स्मार्टफोन हल्का सा कर्व है, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। और इन सभी के अलावा 8.8mm की थिकनेस और 189 ग्राम के साथ में आता है। सो देखा जाए तो वेट के मामले में फोन अच्छा है, तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो ये फोन आता है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल के साथ में, जहां पर आपको ड्रैगन टेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ में HDR 10 प्लस, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा।
और साथ ही आपको यहाँ पर 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलते। बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है, सो ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी में कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया और 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर मिलता है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट फिर भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर इमेज आउटपुट मैं कहूँगा कि डिसेंट ही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे डे लाइट हो या लो लाइट, आपको यहाँ पर इमेजेस अब वो एवरेज ही देखने को मिलने वाली है। हालांकि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पर कैमरा में और इम्प्रूवमेंट आ जाए। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको आम वाली G68 MC4 का 4 कोर का GPU दिया गया है। और सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग 5,70,000 के आसपास ऑन द टू पर स्कोर करता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्कोर है। और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है, जो कि दोस्तों अभी तक हमें किसी भी स्मार्टफोन के अंदर इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखने को तो नहीं मिलते। सो देखा जाए तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी दी गई है, और दोस्तों ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। गेमिंग वगैरह में भी आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इश्यूज नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। सो देखा जाए तो यहाँ पर बैटरी मॉडल भी आपको अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, जहाँ पर डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी कमाल की है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर आता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड 14 और 15 का अपडेट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और साथ ही 3 साल के आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G SIM ही लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड के साथ में आता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू नहीं आने वाले हैं। सो और देखेंगे तो लावा की तरफ से एक कंप्लीट पैकेज है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, अगर आप चाहें तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 17,999 रुपये की कीमत पर। पर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अप टू 1500 रुपये तक का ऑफ मिल जाएगा, यानी इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन 16,500 रुपये की कीमत तक आपको मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं। फोन की और ये स्मार्टफोन यहाँ पर रियलमी का नार्जो 60 Pro 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन भी आपको बिल्कुल रियलमी नार्जो 60 की तरह ही देखने को मिलेगा। ऑरेंज वाला आपको वीगन लेदर के साथ में मिलेगा और ब्लैक वेरिएंट आपको प्लास्टिक मटेरियल के साथ मिल जाएगा। वैसे ये फोन 8.2mm की थिकनेस और 191 ग्राम्स के साथ में आता है, सो काफी ज्यादा हैंडी भी है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आती। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली 10 बिट की सुपर AMOLED पैनल। यहाँ पर आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत कमाल की बात है। साथ ही आपको यहाँ पर डबल रीइन्फोर्स ग्लास का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे HDR 10 प्लस और वाइड वाइन एल्बम का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल फोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोस्तों, वो काफी कमाल की है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये डिस्प्ले कर्व एजेस के साथ में आती है, सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर सुपर मिलती है। चलिए फिर बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में 2 कैमरास लगे हुए हैं। मेन कैमरा है 100 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही OIS का फीचर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। वैसे 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात दोस्तों यहाँ पर कैमरा आउटपुट की, तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप के ही आउटपुट देखने को मिलेंगे। डे लाइट में फोन अच्छा परफॉर्म कर लेता है। रही बात लो लाइट की, तो यहाँ पर भी आपको डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट, और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये चिपसेट 6 NM की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हीटिंग काफी कम मिलती है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑन द टू पर लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है।
साथ ही साथ आपको यहाँ पर आम वाली G68 MC4 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी गेमिंग भी करा देता है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आपको फोन के अंदर कोई इशू नहीं आते। चलिए बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी, 67 W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। मीडियम यूजिंग पर आपको स्मार्टफोन एक दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये भी अच्छी बात है। रही बात स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक नहीं दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कार्ड स्लॉट भी नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि दो स्लॉट है जहाँ पर आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं, यानी कि दोनों 5G का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, जिनके आउटपुट दोस्तों सच में बहुत कमाल के हैं। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 बेस्ड रियलमी UI 4.0 पर आपको मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे। रही बात स्मार्टफोन के 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड्स के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। अब बात कर ले प्राइसिंग की, तो नॉर्मली ये स्मार्टफोन आपको 25,000 रुपए की कीमत पर मिलता है, लेकिन अभी 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 21,249 रुपए। सो आप चाहें तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का 030 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो डिजाइन और लुक के मामले में तो फोन काफी कमाल का है ही। साथ ही फ्रंट और बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक इको लेदर वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। वैसे इस फोन के अंदर IP53 की रेटिंग भी आपको मिलती है, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही ये फोन 7.9mm की थिकनेस और 185 grams के साथ में आता है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फीलिंग दोनों ही काफी अच्छी है। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 inches की फुल HD प्लस वाली 10-bit की सुपर एमोलेड पैनल। साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन, और हाँ गेमिंग के लिए 144Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी मिलता है। सो सबके पास देखा जाए तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कैमरास की, तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग का HM6 वाला सेंसर है। और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको F1.7 का अपर्चर भी देखने को मिलता है, साथ ही में आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी दिया गया है। इन सभी के अलावा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की, तो भाई डे लाइट में फोटोज काफी कमाल की निकल कर आती हैं, साथ साथ लो लाइट में भी स्मार्टफोन थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेता है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS। फोन के अंदर लगा हुआ 6nm बेस MediaTek Dimensity 8020 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आम वाली G77 MC9 का 9 core का GPU भी दिया गया है, जो कि गेमिंग में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन अंतु पर लगभग 7,60,000 के आसपास स्कोर करता है, सो आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में तो कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी है। साथ ही फोन 68 W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिलती है। सो देखा जाए तो बैटरी का साइज तो काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन होती है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और बात करते कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, सो आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 बेस XOS 13 पर आपको मिलता है। और हाँ गाइस यहाँ पर आपको 1 साल का मेजर अपडेट यानी कि एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट और साथ ही साथ 2 साल तक सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाले, तो जो भी इंटरनल मेमोरी आपको मिलेगी उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। रही बात 5G बैंड्स की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन अप टू 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। और हाँ यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 21,999 रुपए। बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको अराउंड 21,000 रुपए की प्राइस पर बहुत इजीली मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो इसे भी डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अगले फोन की तरफ, और ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला एक काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है, और स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर मोटो एज 14 नियो। बात करें बिल्ड क्वालिटी, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। हालांकि आपको यहाँ पर EMMA मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्मार्टफोन वीगन लेदर पर भी देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है।
इन सभी के अलावा 7.9 mm की थिकनेस और 170 ग्राम्स के साथ में फोन आता है, तो काफी लाइटवेट और काफी स्लिम है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है, तो डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 inches की फुल HD+ वाली 10 bit की प्लास्टिक OLED पैनल। तो भाई साफ है कि डिस्प्ले क्वालिटी तो धमाकेदार है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, यानी इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी में भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ HDR10+ का सर्टिफिकेशन, वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन और गेमिंग के लिए 144Hz तक की रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। तो भाई प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा है 50 megapixel का, जो कि ओमनी विजन की तरफ से आता है, साथ ही f1.8 का अपर्चर भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 13 megapixel का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड कम मैक्रो कम डेप्थ कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सेटअप देखने को मिलेगा। रही बात फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 32 megapixel का सेल्फी कैमरा। रही बात इमेज आउटपुट की, तो भाई डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली, डे लाइट फोटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। लेकिन लो लाइट की बात करें तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस ही देखने को मिलेंगे। वीडियो आउटपुट की बात करें तो गैस आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चिपसेट की। तो आपको यहाँ पर मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 7030 का 5G चिपसेट, और गाइस ये फोन अंततः पर लगभग 530,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आर्म वाली G610 MC3 का GPU दिया गया, जो कि आपको प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस फोन की यहाँ पर अच्छी रहती है, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं फोन के पेट की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 68W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक दिन से ज्यादा का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। रही बात कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वैसे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको कोई भी कार्ड ऑप्शन नहीं दिए गए, हालांकि आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये फोन अप टू 14 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, सो काफी फ्यूचरिस्टिक है। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर मोटोरोला की तरफ से एक ऑलराउंडर टाइप का पैकेज ढूंढ रहे हैं, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो दोस्तों इस समय 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 20,999 रुपए। दोस्तों आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।